दिल्ली शराब घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई। सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल ने दी है याचिका। सीबीआई ने जवाब दाखिल करके जमानत का विरोध किया, कहा कि याचिका में कोई दम नहीं। पीएम मोदी का सिंगापुर के संसद भवन में हुआ आधिकारिक स्वागत, प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वॉन्ग से की संसद भवन में मुलाकात, द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत। पीएम मोदी और सिंगापुर के पीएम की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच समझौते और ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। स्वास्थ्य और टेक्नोलॉजी के संबंधित एमओयू पर साइन। सिंगापुर में गर्मजोशी से हुआ स्वागत के लिए पीएम मोदी ने जताया आभार, बोले कि सिंगापुर हर विकासशील देश के लिए एक प्रेरणा, हम भी भारत में कई सिंगापुर बनाना चाहते हैं। सिंगापुर में एईएम होल्डिंग्स लिमिटेड कंपनी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, सिंगापुर के पीएम भी रहे मौजूद। कंपनी के कर्मचारियों से पीएम ने मुलाकात की। हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी के लिए सुजारी, 67 उम्मीदवारों का ऐलान। सीएम नायब सिंह सैनी की सीट बदली गई, करनाल की जगह लाडवा से लड़ेंगे चुनाव, अनिल विज अम्बाला कैंट से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी की पहली लिस्ट में 9 विधायकों के टिकट कटे, पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता और जगाधारी से कंवर पाल गुर्जर मैदान में उतरे, अम्बाला शहर से असीम गोयल और मौलाना से संतोष सरवन बने उम्मीदवार। अटेली से राव इंद्रजीत की बेटी आरती बीजेपी उम्मीदवार, किरण चौधरी की बेटी श्रुति और कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को भी टिकट। सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने का दावा किया, कहा कि लोगों का मिल रहा है समर्थन। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बरौली का बयान, गठबंधन पर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व सही समय पर लेगा फैसला। उम्मीदवारों की सूची पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सभी की सीटें कर दी गई हैं तय, आज से नामांकन शुरू होगा। 5 से लेकर 12 सितंबर तक सभी अपना नामांकन करेंगे दाखिल। बीजेपी जल्द बची हुई 22 से 23 सीटों की सूची जारी करेगी, मोहनलाल खट्टर की जानकारी। खट्टर ने एथलेटिक्स के राजनीतिक चक्रव्यूह में फंसे होने का आरोप लगाया, ताकि आज वही एथलीट कांग्रेस से टिकट की गुहार लगा रहे हैं। अम्बाला कैंट से चुनाव लड़ने पर अनिल विज ने कहा कि मैं और ज्यादा काम करूंगा, लोगों के विश्वास को जीतने की कोशिश करूंगा। अनिल विज ने कहा कि पार्टी को और ज्यादा आगे लेकर जाएंगे, करेंगे कड़ी मेहनत, काम किया है काम करेंगे, यही मेरा नारा रहा। हरियाणा बीजेपी में लिस्ट आते ही मची भगदड़, टिकट कटने से नाराज दतिया के विधायक लक्ष्मण अनापा का इस्तीफा, कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें। हरियाणा कांग्रेस ने रेसलर विनेश फुगाट को दिया टिकट का ऑफर, सूत्रों के मुताबिक चरखी दादरी बड़ाडा और जुलाना सीट से कहीं भी एक सीट पर चुनाव लड़ सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक रेसलर बजरंग पुनिया को भी कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है, बहादुरगढ़ या फिर भिवानी से चुनाव लड़ सकते हैं। हरियाणा में कांग्रेस और आप में सीट को लेकर पेंच फंसा, आम आदमी पार्टी 10 सीटों की मांग पर अड़ी, कांग्रेस 2 से 3 सीटें देने को तैयार। हरियाणा के चुनाव के लिए जेजेपी की पहली लिस्ट आई सामने, 19 प्रत्याशियों का ऐलान, दुष्यंत चौटाला उचाना से, दिग्विजय चौटाला डब्बावाली से चुनाव लड़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला गांदरबल और बड़गाम सीट से लड़ेंगे चुनाव, दोनों सीट पर दूसरे चरण में 25 सितंबर को होगी वोटिंग। उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर की गांदरबल सीट से भरा पर्चा, पीडीपी कैंडिडेट इश्फाक जब्बार से टक्कर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 6 सितंबर को जम्मू दौरा, बीजेपी का मैनिफेस्टो करेंगे रिलीज। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर आरोप, जाति देखकर ली गई है जान, फर्जी एनकाउंटर करा रही है सरकार। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने गिनाई सरकार के काम की उपलब्धि, कहा कि हमने 18 लाख पीएम आवास को मंजूरी दी। सीएम विष्णुदेव ने कहा कि हमने चुनावों से पहले लोगों से किया वादा निभाया, सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में लिया बड़ा फैसला। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा, कहा कि वो अपराध बुलेटिन जारी करते हैं लेकिन उन्हें अपराधों के खिलाफ कार्रवाई के बारे में भी बताना चाहिए। विजय सिन्हा बोले कि नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहिए कि कितने मामलों पर कार्रवाई हुई, कितनों में नहीं, वो घोषणा करें कि किसी अपराधी विधायक को टिकट नहीं देंगे। राहुल गांधी दोपहर 1:15 बजे सांगली के कड़ेगांव में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे मौजूद। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने राहुल गांधी को पिता को राजीव गांधी से ज्यादा समझदार बताया, कहा कि वो अच्छी रणनीति बताते हैं। सैम पित्रोदा ने शिकागो में दिए एक इंटरव्यू में कहा कि राहुल गांधी में प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण, राहुल की गलत इमेज बनाने के लिए खर्च किए गए लाखों डॉलर। शरद पवार ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तारीफ की, कहा कि पूरी लगन से करते हैं काम। सीएम फेस के सवाल पर बोले शरद पवार, चुनाव के बाद संख्या बल के हिसाब से सीएम फेस का फैसला राज्य को स्थिर विकल्प देगी एमपीए। कोलकाता में आरजीकर हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर की रेप और हत्या के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी, लोगों ने देर रात तक सड़कों पर किया विरोध प्रदर्शन। लोगों ने रेप और मर्डर की शिकार लेडी डॉक्टर को फूलों और कैंडल से दी श्रद्धांजलि, इंसाफ की मांग की। पीड़िता लेडी डॉक्टर के परिवार के लोग भी हुए प्रदर्शन में शामिल, कहा कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक लड़ते रहेंगे। आरजी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स की कॉल पर कोलकाता में हुआ कैंडल मार्च, जूनियर डॉक्टर्स ने अंधेरे में मोबाइल की फोन लाइट जलाकर मार्च निकाला। डॉक्टर्स की कॉल पर लोगों ने रात को 9 से लेकर 10 बजे तक घरों की लाइट्स ऑफ की। श्याम बाजार और विक्टोरिया मेमोरियल सहित कई इलाकों में निकाला गया कैंडल मार्च। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की मांग की, मानव श्रृंखला बनाकर जताया विरोध। पश्चिम बंगाल राजभवन पर भी दिखा लाइट ऑफ की कॉल का असर, रात 9 बजे घटना के विरोध के प्रतीक के रूप में बंद की गई राजभवन की लाइट्स।
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कैंडल लाइट प्रोटेस्ट का किया समर्थन, अंधेरे में मोमबत्ती जलाकर प्रदर्शन का समर्थन किया। कोलकाता के धर्मतला में बीजेपी ने किया विरोध प्रदर्शन, बीजेपी नेता सुकांत मजुमदार और अग्निमित्रा पॉल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता प्रोटेस्ट में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजुमदार ने कहा कि यह राजनीतिक नहीं समाज का आंदोलन है, पूरा देश चाहता है कि देश की बेटी को मिले न्याय। मामले में सुप्रीम कोर्ट अब पर सबकी नजरें, कोर्ट का फैसला आगे तय करेगा बहुत कुछ, सुकांत मजुमदार का बयान। त्रिपुरा में शांति समझौते पर लगी मुहर, गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में एनएलएफटी और एटीटीएफ ने किया साइन। पीएम मोदी की कोशिश से दिलों की दूरियां कम हुई है, गृहमंत्री अमित शाह का बयान। त्रिपुरा सीएम ने पीएम और गृहमंत्री का जताया आभार, कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति समृद्धि और सद्भावना का माहौल बनाने में अहम भूमिका। तेलंगाना के कोमराम भीम आसिफाबाद जिले के जैनूर में तनाव, आदिवासी महिला के साथ कथित रेप हत्या की कोशिश के बाद लोगों में गुस्सा। ऑटो ड्राइवर पर रेप हत्या की कोशिश के आरोप, गुस्साए लोगों ने कई घरों और दुकानों पर आग लगाए, क्षेत्र में तनाव का माहौल, मौके पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात। तमिलनाडु के त्रिची में स्कूली बच्चियों से यौन उत्पीड़न के आरोप में एक डॉक्टर गिरफ्तार, आरोपी डॉक्टर को कोर्ट ने 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। दिल्ली के नरेला में फायरिंग में मचा हड़कंप, पैसे को लेकर 2 लोगों में बहस के बाद फायरिंग हुई, एक शख्स की मौत, 2 घायल, गोली चलाने वाले 2 आरोपी फरार। कर्नाटक के बेलगावी में मंदिर के अंदर मर्डर, धारदार हथियार से किया गया हमला, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। नागपुर में चाकू तलवार दिखाकर बियर बार लूटा, कैश और शराब लेकर फरार हुए बदमाश, सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने 5 को पकड़ा। यूपी के झांसी में लूट और स्नैचिंग करने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरे बदमाश ने किया आत्मसमर्पण। यूपी के सीतापुर में प्रशासन का एक्शन, प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से हटाया। सीतापुर में स्वास्थ्य विभाग का एक्शन, बिना रजिस्टर्ड चल रहे 3 अस्पताल सीज, 1 अस्पताल से 500 मरीजों को गोदाम से छुड़वाया। प्रयागराज का जामिया हबीबिया मदरसा सील, नकली नोट फैक्ट्री का मदरसे में हुआ था खुलासा। सुल्तानपुर में ज्वेलर्स की दुकान लूटने वाला बदमाश मुठभेड़ में ढेर, पुलिस ने 1 पिस्टल कारतूस और 1 मोटरसाइकिल भी बरामद की। बहराइच में भीड़िए मामले पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान, कहा कि पीड़ित परिवार के साथ कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, हम करेंगे आर्थिक और इलाज में मदद। बहराइच में भीड़िया हमले की घटना पर वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि लोगों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। वन मंत्री अरुण कुमार बोले, सीएम योगी की मामले पर नजर, जल्द पकड़ा जाएगा भेड़िया। श्रीलंका की जेल से रिहा हुए 7 भारतीय मछुआरे 23 जुलाई को मछली पकड़ने के आरोप में अरेस्ट हुए थे। देश के 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में बारिश से बिगड़े हालात। लखनऊ में बारिश के बाद हुए जलजमाव से गई मासूम की जान, बारिश में खेल रही 6 साल की बच्ची नाले में बही। डीएसपी ने दी जानकारी, बच्ची की तलाश का काम अभी जारी, स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। हरियाणा के पंचकुला में दर्दनाक हादसा, भारी बारिश से दीवार गिरी, 3 बच्चों की मौत। मुंबई के कई इलाकों में बारिश के तापमान में आई गिरावट, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी। भारी बारिश से गुरुग्राम के कई इलाकों में भरा पानी, जल भराव के चलते लंबा जाम लगा। घंटे भर की बारिश में बेहाल हुआ पटना शहर, पटना सचिवालय विकास भवन की बाउंड्री वॉल ढही। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने की बैठक, आरएसएस एसोसिएशन के अधिकारियों के साथ बैठक की। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने श्रीमद भगवत कथा में लिया हिस्सा, तेज प्रताप यादव के आवास पर श्रीमद भगवत गीता का आयोजन हुआ था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ सांस्कृतिक संध्या में शामिल हुए, लखनऊ के सूर्या ऑडिटोरियम में हुआ कार्यक्रम। चेन्नई में एक्टर विजय की फिल्म गोट देखने के लिए उमड़ी भीड़, सिनेमा हॉल के बाहर लंबी कतार। पीएम मोदी ने टीचर्स डे पर देशवासियों को बधाई दी, राधाकृष्णन की जयंती पर किया नमन। मध्य प्रदेश के जबलपुर में टीचर पराग दीवान की सराहनीय पहल, नर्मदा नदी के घाट पर 300 बच्चों को दे रहे हैं मुफ्त शिक्षा। रेलवे कर्मचारियों का होगा बेहतर इलाज, 100 रुपए का कार्ड दिखाने पर एम्स और पीजीआई में मिलेगा ट्रीटमेंट। लद्दाख में सीमावर्ती इलाकों में तैनाती की गई है ड्रोन, सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। के बाद पैरालंपिक में भारत ने 7वें दिन 2 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल जीते, 5 गोल्ड 9 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज के साथ भारतीय मेडल टैली में 13वें नंबर पर। पैरालंपिक में आर्चरी में हरविंदर सिंह ने गोल्ड पर साधा निशाना, पोलैंड के पैरा एथलीट लुकाज को 6-0 से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरविंदर सिंह को बधाई दी और एक्स पर लिखा, हरविंदर का फोकस टारगेट सिरप्रिट स्पिरिट भी कमाल की रही है। मेंस F51 कैटेगरी के क्लब थ्रो इवेंट में भारत ने 2 मेडल जीते, धर्मवीर सिंह ने 34.92 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ गोल्ड पर कब्जा किया। राहुल द्रविड़ आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स टीम के बने हेड कोच, विक्रम राठौर को बनाए असिस्टेंट कोच। दिलीप ट्रॉफी के पहले राउंड के बाद बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टेस्ट टीम का ऐलान, संभव 12 सितंबर से भारतीय टीम का शुरू होगा अभ्यास। आईसीसी बैट्समैन रैंकिंग में इंग्लैंड के जो रूट पहले नंबर पर कायम, न्यूजीलैंड के केन विलियमसन दूसरे नंबर पर, टॉप 10 में से 12वें बाबर आजम। आईसीसी रैंकिंग में टॉप 10 में 3 भारतीय बल्लेबाज शामिल है, रोहित शर्मा 6ठे, यशस्वी जायसवाल 7वें और विराट कोहली 8वें नंबर पर।